नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परम पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद कालखंड यानी समय को चार युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। ऐसे में फिलहाल हम सभी जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी तीन युग बीत चुके हैं, जिसमें है त्रेतायुग, द्वापर युग और सत्ययुग। त्रेतायुग का भी अंत हुआ था और सत्ययुग का भी। अब हम पुराणों की माने तो कलयुग का भी अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है, आखिर कैसा होगा कलयुग के बाद का युग? कलयुग से जुड़ी वह कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के समय में ही पांचों पांडवों को बता दी थी? इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के इंसानों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताए थे, जिनको सुनने के बाद आप भी दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे। और अगर आप भी इन सभी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी आज के इस वीडियो को बिना स्कीप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने जुए में अपना संपूर्ण राजपाट हार कर वन में जा रहे थे, तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया है, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय पांडवों, अभी द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है और यह सब जो भी हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम ही क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताइए, उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल पड़े। पांचों भाई वन में जाकर जब वापस लौटे तो हर कोई वन के दृश्य को लेकर हैरान था। वन से लौटने के बाद पांचों पांडवों के मस्तक पर सिकंद था, वह किसी उलझन में पड़े हुए नजर आ रहे थे। अब यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय पांडवों, आप सभी किसी सोच विचार में मगन हैं। मुझे बताएं, अगर संभव होगा तो मैं आपको उसका समाधान अवश्य दूंगा। इसके बाद भीम की उत्सुकता कलयुग के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वे श्री कृष्ण जी से कहते हैं, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक सहलाकर चाट रही थी जिससे उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाहती है कि उसके शरीर से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि कलयुग में भी माँ बाप अपने संतान पर इतना अधिक प्यार लुटाएंगे कि उसका कभी विकास नहीं हो पाएगा। कलयुग में माँ की ममता अपने बेटे को इस कदर मोह माया में बांध कर रख देगी कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा अपना घर बार छोड़कर साधु बनेगा तो लाखों लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा ही घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाएगा तो बहुत ज्यादा रोएंगे, विलाप करेंगे कि हमारा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं है बल्कि उनके पत्नियों की है और तुम्हारी पुत्रियां उनके पतियों की। तुम्हारा शरीर मृत्यु का है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेदों की रचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे,
विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण एकदम राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान लोग कहलाएंगे किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। और सत्पुरुष तो बहुत ही कम आपको कलयुग में देखने को मिलेंगे। कलयुग में इंसान मेहनत से धन अर्जित करने की बजाय दूसरों के घरों में चोरी करना और दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने वाला होगा। अपने दोनों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी लोग लड़का लड़की के विवाह में, छोटे बड़े महा उत्सव में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में भी किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरापान, खाना, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ाते रहेंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। श्री कृष्ण के मुंह से इस तरह की बात सुनकर एक पल के लिए सभी काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकते थे। सहदेव के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गया। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। चारों भाइयों के प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद अब बारी आती है युधिष्ठिर के प्रश्न की, तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर अब तुम बताओ तुमने वन में क्या देखा। तभी युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने वन में जाकर दो सूंड वाले हाथी को देखा। इसका अर्थ क्या है, कृपया मुझे इस पर अपने विचार बताइए और इसका अर्थ मुझे अच्छे से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज होगा, यह लोग दूसरों का शोषण करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और केवल अपने हित के बारे में ही यह हमेशा सोचते रहेंगे। श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर सभी पांडव हैरान थे और कलयुग में इंसानों की स्थिति को देखकर काफी ज्यादा निराश थे। तभी सभी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने यह तो बता दिया कि आने वाला युग कैसा होगा, लेकिन आप हमें यह भी बताएं कि आखिरकार इस युग यानी कि कलयुग का अंत कैसे होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूख जाएंगी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। मनुष्य किसी की भी हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी, उनका अपने ही घर में शोषण होगा। बाप बेटी भाई बहन कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी खटास आने लगेगी।
किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय में समाज हिंसक तरह से हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही केवल राज चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा तो मैं स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी से समस्त अधर्मों का नाश कर दूंगा। फिर से धरती पर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की स्थापना होगी और मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सत्ययुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम सभी लोग अपने धर्म और कर्म से सत्ययुग की तरह जीने का काम करें। ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सत्ययुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आज से हरि का नाम जपना शुरू कर दें। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए